हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरी सोजा। आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि एक एक्सरसाइज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये किस प्रकार की एक्सरसाइज है, क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके, पास द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड पास लिस्ट। ये है क्या चीज, आपको समझ में आ रहा है कुछ नहीं? मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। हमको एक लिस्ट पास करनी है और लिस्ट में दिए गए वर्ड्स हैं उनकी मेरे को लेंथ फाइंड करनी है। अगर सपोज करो मेरे को लेंथ तो फाइंड करनी है, ये सिंपल प्रॉब्लम आप कर चुके हैं, आप फाइंड कर लोगे इजीली। लेकिन मैं चाहता हूँ हाउ मेनी वर्ड, यानी कितने वर्डों की स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हुए। मैंने बोला कि टू, तो स्टार्टिंग है फर्स्ट एंड टू, यानी कि सेकंड, यानी दो वर्डों की लेंथ आपके सामने आएगी। मैंने बोला फोर, तो वन टू थ्री फोर, यानी सिर्फ जावा तक ही आपकी लेंथ सामने आएगी, बाकी की बची हुई कोई लेंथ नहीं। अगर आप चाहते हैं फुल लेंथ, तो कंप्लीट लेंथ की आपकी पूरे लिस्ट है, डिटेल्ड आपकी सामने आ जाएगी। आप समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरह से मैं आपको करना सिखाऊंगा कि कैसे हम वैल्यू पास करेंगे। ओके फाइन, देखिए करते हैं अपने प्रोग्राम को स्टार्ट। हालांकि इसको हमको यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करना है, लेकिन हम अभी विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, फिर इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, मैंने आपका वर्ड काउंट डब्ल्यू ओ एक डिफाइन फंक्शन किया, डिफाइंड वर्ड लेंथ डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड लेंथ। तो वर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं एक वैल्यू यानी एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, जैसे कि मैंने बोला आपसे कि एक पैरामीटर, ओके, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे दिया नंबर, हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट। दूसरा है आपका क्या, एक आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, यानी कि जो आपकी कंप्लीट, जैसे कि ये पायथन कोबोल सी सी फिल्टर, तो ये पूरी लिस्ट होगी। तो मैंने इसको नाम दे दिया एल ए एन जी लैंग। आप ए आर जी एस आस्क करके भी पास कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे कि ओके, जब आप पास करोगे तो क्या पास करोगे, वो फंक्शन को कॉल कैसे कराओगे, सिंपल इसी तरह से डब्ल्यू आर डी वर्ड लैन, उसके बाद उस, यानी मैंने बोला कि सिर्फ ओनली फोर कैरेक्टर की लेंथ चाहता हूँ, स्टार्टिंग के फोर कैरेक्टर नहीं सॉरी फोर वर्ड है जिनकी मैं लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ। ओके, फिर उसके बाद आपका आता है क्या, वो लिस्ट, यानी कि वो आपकी लिस्ट, कौन सी लिस्ट, आपकी लैंग्वेज की लिस्ट। मैंने इस लिस्ट को कॉपी किया, ओके, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा एल एन जी लैंग और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, लैंग या लैंग्वेज कुछ भी करना है, लैंग्वेज, ठीक है, एल एन जी यू ए जी लैंग्वेज पास कर दो। ओके, अब यहाँ पे आप लैंग्वेज पास करो। जब आप लैंग्वेज पास करेंगे तो उसकी अनपैकिंग करनी पड़ेगी। अनपैकिंग क्यों करनी पड़ेगी हमने, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अनपैकिंग करेंगे तभी तो यहाँ पे आपके इसमें आपके एक एक करके आपके वैल्यूज हैं वो पास होंगी, ताकि इनका ट्यूपल बनेगा, ट्यूपल बनेगा तभी तो ये कहलाएगा आपका स्टार आर्ग्यूमेंट की हेल्प से कैसे हमने वर्क किया। ओके, अब आगे हम वर्क करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पे, ये तो हो गया आपका ये फंक्शन। ओके, अब मैं लूप चलाता हूँ सबसे पहले फर्स्ट फॉर, ओके, और फॉर भी मैं आए इन कहाँ पे, यानी कि मैं चाहता हूँ ये लूप चलेगा वो रेंज कहाँ तक चलेगा आपका, जितना आपने पास किया है। अगर मैंने पास किया फोर कैरेक्टर, सिर्फ फोर कैरेक्टर तक ही, यानी कि वन टू थ्री फोर, फोर तक ही आपका वर्क करेगा आपका, इसलिए मैंने एन पास किया। स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट जीरो से होती है, आपको पता है। अगर आप चाहते हैं तो वन से स्टार्ट करना तो वन लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद आपकी मर्जी, आप जैसा टाइप कर सकते हैं। ओके फाइन, हम आगे करते हैं। अब इसके बाद मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा, उस डिक्शनरी में इसको शो कराऊंगा। तो डिक्शनरी के लिए मैंने क्या किया, सिंपल लिखा क्या, सिंपली वर्ड डिक्ट, ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की है, उसमें इसको अपडेट करूंगा वैल्यू को। तो वर्ड डिक्ट डॉट अपडेट, और इस तरह से अपडेट लिखकर मैं वो पास करूंगा डिक्शनरी। कैसे डिक्शनरी, एक डिक्शनरी कैसे पास करूंगा मैं, मैंने सिंपली लिखा सबसे पहले उस वर्ड का नेम, यानी कि जैसे सपोज करो एल ए एन जी, ओके, इस लैंग में कौन सी पोजीशन पे, तो पोजीशन कौन होता है आपका आई, जैसे आई पहले जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा, इसलिए यानी कि लैंग जीरो। बाय डिफॉल्ट लैंग के अंदर क्या होगा, ये पूरी लैंग जाएगी, यानी कि लैंग जीरो पे कौन है, लैंग वन पे कौन है, लैंग टू पे कौन है। तो इस तरह से पहले मान लो समझो लैंग जीरो आया, तो लैंग जीरो, यानी कि लैंग जीरो, फिर उसके बाद क्या होगा आपका, कि वो लैंग जीरो तो होगा लेकिन लेंथ होगी उसकी, उसकी लेंथ आई किसकी, उसी लैंग जीरो की, उसी लैंग जीरो की आपकी लेंथ आएगी, वो अपेंड हो जाएगी किसमें, इस वर्ड डिक्शनरी में। अपेंड होने के बाद मैं सिंपली इसको रिटर्न करूंगा, रिटर्न किसको करूंगा मैं, इस डिक्शनरी को। तो यहाँ पे लिखा मैंने रिटर्न वर्ड डिक्ट। अब देखते हैं आपका प्रोग्राम वर्क करता नहीं करता, देखिए ना, मैं समझ गया, क्योंकि हमने इसको प्रिंट नहीं कराया, अभी वर्ड लाइन नाम का फंक्शन है, हमने इसको सिंपली प्रिंट नहीं कराया, अब इसको प्रिंट करा देते हैं।
अब देखते हैं कैसा वर्क करता है। देखिए पाइथन 6, कोबो 6, सबके 666 आ रही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे क्यों हो रहा है ऐसा। यहाँ पे मैं पास किया लेंग 0, जो कि मेरे को पास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेंग 0 आपकी किसकी लेंथ है, सिर्फ पाइथन की आएगी। इसलिए लेंग 0 को हटाइए, आप पास कीजिए आई, यानी कि लेंग आई। ओके अब रन कीजिए, देखिए अब क्लियर हो गया। पाइथन 6, कोबोल 5, सी 1 और जावा की 4 लेंथ, क्योंकि 4 कैरेक्टर है ना इसके अंदर। ओके सबके कैरेक्टर आपके शो कर, सपोज करो आपको 4 पास नहीं करना, आपको पास करना सिर्फ 2 ओनली। ओके तो देखिए ये क्या हो रहा है, फाइन करेक्ट है, आपको परेशानी तो नहीं आ रही। लेकिन जरा देखिए मैं जहाँ पे 0 पास करता हूँ तो देखिए क्या होता है, आपका क्या बोल रहा है, एकदम खाली ब्लैंक डिक्शनरी। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई लेंथ मिली नहीं बाय डिफॉल्ट, यानी कि मैं कुछ लेंथ चाहता नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पास किया। अगर आप चाहते हैं कितने कैरेक्टर तक, मैंने बोला 7 कैरेक्टर तक, कितने 7 कैरेक्टर तक। अब देखिए 7 तक, ये देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक चल गया। अब मैं यहाँ पे 8 टाइप करता हूँ तो बताओ क्या होगा, आपको आइडिया है क्या होगा? देखिए बोलेगा आपसे आउट ऑफ इंडेक्स। अब भाईचान मान लो किसी को पता होगी ये लैंग्वेज डिक्शनरी, सामने वाले को दिखाएंगे, उसको उसको दिखाएंगे सामने वाले को कैसे ये वर्क कर रहा है, तो उसके लिए लिस्ट बनाना जरूरी है कि आप कितने वर्णों की लैंग्वेज चाहते हैं। ये रही लिस्ट आपके सामने, तो लिस्ट सामने दिखा दीजिए उसको, सिंपली प्रिंट लैंग्वेज करके ये लिस्ट उसको दिखा दीजिए। ओके फाइन, जब मैंने इसको रन किया तो अब देखिए अभी भी एरर आएगी। क्यों? क्योंकि 8 इंडेक्स है, क्योंकि 8 तो है ही नहीं इसके अंदर पूरे नंबर, इसे 7 है तो 7 तक मिल जाएगी उसको पूरी लिस्ट कंप्लीटली। देखो फाइन, ओके ये रही आपकी लिस्ट और ये भी आपका क्या डिक्शनरी उसका चेंज है। अब आप चाहते हैं कि मेरे को कुछ नया मॉडिफिकेशन करके मिले, कुछ अच्छे नए स्टाइल से मिले, तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बताना चाहूंगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे वर्क करता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सपोज करो ये पूरा डेटा सेम एज कॉपी कर लीजिए आप, ताकि आपको आसानी होगी, और यहाँ पे आप लिखिए सिंपली और, ओके फिर इसका पेस्ट कीजिए। ऊपर वाली लाइन को आप ना कमेंट कर दीजिए दो के, वरना सेम फंक्शन जाएंगे तो एरर करेगा, वो एरर क्रिएट करेगा। ओके अब आपको क्या करना है, सिंपली आपने ये चीज रिटर्न की है, रिटर्न आपको पता क्या करना है, इसकी जगह रिटर्न करना है आपको डिक्शनरी। हालांकि जब अपन ने देखा कि आउटपुट क्या आ रहा है, डिक्शनरी तो आउटपुट आ रही है पूरी, देखो कंप्लीट डिक्शनरी आउटपुट आ रही है। क्यों ना आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से इसको आउटपुट दें, तो आउटपुट देने की सबसे पहले लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का एक साइन नहीं है, डिक्शनरी आपको आउटपुट करनी है ना, क्योंकि आपने डिक्शनरी क्रिएट की है तो डिक्शनरी तो आप आउटपुट करोगे। ओके अब आप कहोगे कि डिक्शनरी क्रिएट किए, जरूरी नहीं आप डिक्शनरी क्रिएट करो ना करो, लेकिन आउटपुट आप कैसे देना चाहते हो, कि डिक्शनरी की हेल्प से आउटपुट देना चाहते हो या लिस्ट की हेल्प से आउटपुट देना चाहते हो। आउटपुट आप चाहे कैसे भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे लिस्ट का सिंबल बनाइए, क्योंकि यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है इस पूरी चीज का, इस पूरी चीज का कोई काम नहीं है। ये तो मैं ना हटा सकता हूँ, मैं अभी आपके सामने इसको मैं रिमूव कर दूंगा इस तरह से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं इसमें करूंगा। जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे किया वो ऑपरेशन मैं यहाँ पे करूंगा, कैसे करूंगा सुनिए। मैंने क्या किया, सबसे पहले लूप लगाया, सबसे पहले लूप लगाना फॉर, ओके फॉर उसके बाद लिखना आपका आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक चलनी है आपकी एन तक, फिर उसके बाद अच्छा था रेंज तो चलनी पूरी एन तक, मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा एक जैसे आप बताओ क्या होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, यही चीज होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग जो आपको बताना चाहता हूँ। तो उसको कॉपी कीजिए इस पार्ट को, मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसलिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखो क्या लिखा मैंने, लैंग आई, ओके लैंग आई क्यों लिखा है आपका बताइए आप, क्योंकि यहाँ पे ये लैंग आया ना आपका और उसकी लेंथ। ओके फाइन, फिर इसको रिटर्न कर दो। अब इसका कोई काम नहीं, मैं इसको रफ कर सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ। ओके ये देखिए सिंपली हटा दिया। जब मैंने इसको कोड को अगेन रन किया तो देखिए कितना आ रहा है, ओके 6 5 सी, ये पूरा कम्प्लीटली आ रहा है ना आपका। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मैंने बोला लेंथ में कुछ चीजें ओनली 2, तो 2 की लेंथ में लगी, देखिए यानी कि इतनी पूरी बड़ी लिस्ट में आपको सिर्फ 2 की यानी फर्स्ट एंड सेकंड सिर्फ 2 ही चीज की आपकी लेंथ मिल रही है, आप समझ रहे हैं। तो ये था आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के हेल्प से। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे ये कॉलन देख रहे हैं, ये कॉलन आप चाहे तो उसको लिस्ट, ये देख रहे हैं लिस्ट में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। कैसे लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे लिस्ट का एक सिंबल दोगे, सिंपल दोगे, ओके सिंबल देने के बाद आप इसको रन करोगे। कैसे मैं इसको रन करता हूँ तो एरर आएगी, क्या आएगी एरर, क्यों आएगी, क्योंकि ये कॉलन सिर्फ डिक्शनरी में चलता है। किसमें चलता है ये कॉलन, आप देख रहे हैं कॉलन, ये कॉलन जो है आपका ये वाला कॉलन वो डिक्शनरी के लिए है। तो आप इस कॉलन को कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए एफ स्ट्रिंग की हेल्प से। कैसे करेंगे एफ स्ट्रिंग की हेल्प से, देखो सिंपली एफ लिखा और यहाँ पे कॉलन लगाया, इस ये अपने सिंगल इनवर्टेड कॉमा लगाया, सिंगल इनवर्टेड कॉमा के जाने के बाद यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया और इन सबको मैंने कर्ली ब्रेस में टाइप कर दिया। कर्ली ब्रेस में कैसे टाइप कर दिया, इस तरह से, ये देख रहे हैं मेरे जैसे करते जाइए आप, तो आप बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे। ओके
थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि ना आप ना मेरे से बेहतर कर सकते हैं अगर ना आप लोग कोशिश करेंगे। ओके देखिए, आप पूरी लिस्ट में शो कर रहा है आउटपुट, डिक्शनरी का कोई काम नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कि हमने डिक्शनरी ही रन कर दी, प्रिंट कर दी है। अब यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो कुछ, आप इसकी जगह इस तरह से ये भी कर सकते हो, एरो चाहते हो तो एरो मिल जाएगा आपका। तो आप ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इतना अच्छा है, आपको परेशानी नहीं आएगी इसको करने में। जैसा आप चाहे वैसा आउटपुट शो करा सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे आप कोई चेंज करोगे इस जगह, आप इसको हटा के थोड़े पल के लिए, ओके थोड़े पल के लिए हटा के आप इसको, हाँ थोड़े पल से हटाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी मैंने इसको लिस्ट बनाया, अब मैं वापस इसको डिक्शनरी बनाऊंगा ना तो देखो क्या होगा। आप लोग कहोगे व्हाट इज बीइंग हियर, देखिए मैंने अभी कॉलन नहीं लगाया है, देखो मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया है, मैंने इसको एफ स्ट्रिंग हटाया नहीं है, एफ स्ट्रिंग लगा हुआ है और कॉलन भी नहीं लगाया मैंने। एफ स्ट्रिंग का सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे चालू हुआ है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे बंद हुआ है और मैंने कॉलन नहीं लगाया। कॉलन निशानी होती है फिर क्या, किसकी, जो आप किसको शो करता है कॉलन, डिक्शनरी को। तो अब डिक्शनरी को शो करता है कॉलन, तो मैंने यहाँ पे तो डिक्शनरी बनाई नहीं है। देखो देखो हालांकि डिक्शनरी बनाई है लेकिन ये डिक्शनरी नहीं है, ये सेट है, क्योंकि तो सेट का सिंबल भी यही होता है। क्यों विश्वास नहीं है तो वैल्यू आगे पीछे करके आपको रिजल्ट देगा। देखो कैसे, पहले पायथन को बुला गए, अब देखो उसके बाद अभी चेंज होगा वैल्यू, हालांकि चेंज नहीं हो रही, कभी कभार चेंज हो सकती है। तो अब हो गया देखो कोबल पहले हो गया पायथन, पहले क्या था पायथन पहले था और कोबल बाद में था। अब ऐसे आप चेंज करते रहिए। अब आप एक काम कीजिए, ये टू की जगह यहाँ पे फोर पास कीजिए, फिर देखिए कमाल ये सेट है या नहीं है। देखो पहले पायथन कोबल सी, अब क्या हुआ, देखो कोबल पहले जावा पहले पायथन सी, तो ये सेट है आपका, आप समझ रहे हैं। अगर आपको सेट हटाना है तो फिर से इसको यहाँ पे कोलन लगा के बनाना पड़ेगा और एफ स्ट्रिंग को रिमूव करना पड़ेगा। किस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ है, आप समझ रहे मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, कुछ भी एड कुछ भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो मैं इस चैट लाइन को कमेंट करता हूँ, अब मैं ऊपर वाले प्रोग्राम में ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि मैं आपको अभी नीचे किया चेंज किया है, कभी लिस्ट कभी डिक्शनरी। कैसे, यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा हूँ, वर्ड डिक्शनरी, तो आप वर्ड डिक्शनरी रिटर्न मत कीजिए, आप रिटर्न कीजिए सिंपली इस तरह से, ये लिखा और सेम यही उतार दिया है। किस तरह से, देखो मैं आपको बताऊं, यही पूरा लिख दिया आपने एफ स्ट्रिंग बस, ओके ये देखिए आपने कंप्लीटली पूरा यही लिख दिया। हाँ ये लिखने से पहले कंप्लीटली यहां पे आपको लूप लगाना, तो मैं कॉपी करना तो भूल ही गया, मैं इसका लूप को भी कॉपी कर रहा हूं। ये हो गया, ओके फाइन, ये आपका देख रहे हैं इस तरह से मैंने इसको रिटर्न कर दिया है, राइट कर दिया है। मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए क्या बोल रहा है आपसे, कंप्लीटली पूरी लिस्ट शो कर रहा है आपका। लिस्ट शो क्यों ना करेगा, क्योंकि ये इसको ओवरराइट कर रहा है, आप इसको हटा दीजिए, कंप्लीटली ओवरराइट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ सिर्फ इतने कैरेक्टर शो हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए मैं चेंज करता हूँ, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ आपके साथ। हाँ ये हो सकता है इसमें, देखिए आप एक काम कीजिए, रिटर्न तो वही सिंपल वर्ड लिखिए, वर्ड डिक्शनरी। आप इसमें चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर एक्सटर्नल फंक्शन की यूज की हेल्प से, एक्सटर्नल फंक्शन की यूज, एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं, मेरे को ना एक्सटर्नल फंक्शन फॉर लूप लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फॉर लूप। अब एक्सटर्नल फॉर लूप कैसे लगाना पड़ेगा, इसको आप हटाइए, इसको आप हटाइए, मतलब एक पल के लिए यहां से हटा दीजिए, ओके प्रिंट को हटा दीजिए। प्रिंट को हटाने के बाद यहाँ पर लिखिए सिंपल फॉर की कॉमा वैल्यू, ओके इन, इतना लिख के मात्र की वैल्यू पेयर लिख के आपको इस तरह से रिटर्न लिखना पड़ेगा, ओके और ये लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए इन वर्ड लेंथ, ओके वर्ड लेंथ यानी कि जितनी भी आपकी वर्ड लेंथ, मतलब ये फंक्शन में पूरा एक कॉपी हो गया पूरी, मतलब ये रिटर्न कर रहा है, देखो माउस ओवर किया तो ये ना, देखो यहाँ पे देखना आप वर्ड लेंथ पूरी एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है, वर्ड डिक्शनरी, क्या वर्ड डिक्शनरी, वर्ड लेंथ लिखा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखो वर्ड लेंथ फंक्शन है आपका, रिटर्न कर रहा है वर्ड डिक्शनरी, क्या रिटर्न कर रहा है आपकी एक डिक्शनरी, और यहाँ पे भी पूरी क्या रही है एक डिक्शनरी। अगर विश्वास नहीं है तो आप इसको रन करके देखते हैं, ओके फाइन। यहाँ पे मैंने लिखा एफ स्ट्रिंग, इससे प्रिंट लिखा और एफ कर्ली ब्रेस की एरो करके वैल्यू, और यहाँ पे सेवन की मैंने लिख दिया फाइव। अब देखते हैं इसको रन करके आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपका।
हाँ ये हो सकता है, इसमें ये आइटम मेथड लर्न नहीं लगाया हम लोगों ने, डॉट आइटम्स मेथड। अब जब मैंने इसको रन किया फिर देखते हैं इसका आउटपुट। देखिए इसका आउटपुट एकदम बढ़िया प्यारा तरीके से आ रहा है, जो आप चाहते हैं। फाइव कैरेक्टर लिखे थे तो फाइव कैरेक्टर ही आ रहे हैं पीएचपी तक आपके आउटपुट। तो आप इस तरह से आउटपुट शो कर सकते हैं जैसे आप आउटपुट चाहते हैं। और मैं आपको पहले भी एक चीज बता रहा था थोड़ी देर पहले, वो यही बता रहा था मैं आपको। इसको मैं अंडू करता हूँ पूरा कंप्लीटली। ये देखिए रिटर्न में क्या करने वाला था, रिटर्न में ये करने वाला था। देखो जो मैं बोल रहा था ना आपसे कि रिटर्न क्या करना है, मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है सिंपली यहाँ पे डिक्शनरी का नेम, जैसे वर्ड डिक्ट डॉट आइटम्स ये लिखना है। ये लिख के और रिटर्न आपका ही कंप्लीटली पूरा सेक्शन ही रिटर्न हो जाएगा। ओके मैं इसको वर्ड डिक्शनरी यहाँ पे की वैल्यू पेयर देना पड़ेगा आपको, की कॉमा वैल्यू, की और वैल्यू पेयर देने के बाद आपको सिंपली इस तरह से वर्क करना पड़ेगा। इसको डिक्शनरी में कॉलन लगाना पड़ेगा क्योंकि डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम लोग, सिंपली कॉलन लगा के। आप समझ रहे हैं मैं क्या आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए हो गया, एफ स्ट्रिंग को भी रिमूव कर दीजिए। ओके और ये डिक्शनरी बना दीजिए इस तरह से। अब देखिए रन करके, हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अनहैशेबल सेट, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। हाँ एक फर्स्ट प्रॉब्लम की वैल्यू, तो यहां पे देखना लेंग की के और यहां पे इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू, वैल्यू मतलब इसकी लेंथ ऑफ वैल्यू, सिंपली आप ऐसे भी लिख दीजिए। मतलब आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप एडिट कर सकते हैं कंप्लीटली। सॉरी मैं आपको एक चीज ना भूल गया, ये आपको हटाना कंपलसरी है कि वैल्यू पेयर बताने बनाते समय। ओके अब देखिए इसका आउटपुट, कंप्लीट आउटपुट आ रहा है आपका 7 तक जो आपने चाहता, क्योंकि आपने 7 पास किया। अब आप 7 पास ना करें, यहाँ पे आप पास कर दीजिए 3, यहाँ पे इस जगह आप 3 पास कर दीजिए। अब सेव कीजिए, अब रन कीजिए अगेन, देखो क्लियर है। तो आप कुछ ना कुछ ऐड, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, जो आपको प्यारा लग रहा है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको फोर्स किसी बात का नहीं है, आपको आपको जो प्यारा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, आप वो चेंज कर सकते हैं जैसी आपकी मर्जी हो। ओके अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे आई था, डिक्शनरी था, ये चेंज देखो यहाँ पे पहले पुराना ऐसा था, ये था आपका पुराना, फाइन यहाँ पे ये शो कर रहा था। यहाँ पे मैं 7 के 3 पास कर दूँ, मैं इसको रन करके देखूंगा, अब देखो 3 आ रहा है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है, पुराना मेथड देखो अभी थोड़ी देर पहले इसको हटा दिया था मैंने, इसको रन 3 वैल्यू पास कर दीजिए तो ये 3 आएगा। आप 2 पास करते हैं, 1 पास करते हैं तो 1 आएगी, देखो। ओके फाइन देखो 1 आ गया, क्लियर। तो आप समझ गए इस वीडियो को कैसे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एक्सरसाइज बहुत लॉन्ग हो गया है लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी था कैसे आप एक्सरसाइज को रन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो इतना काफी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके गुड बाय।